झाबुआ के थानला ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों ने बीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि थानला बीईओ ने उनके वेतन की राशि किसी अन्य मद में लेकर एक शिक्षिका को एरियर का भुगतान कर दिया। दरअसल थानला ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला था। मांग के बाद शिक्षकों के भुगतान के लिए शासन स्तर से विभाग को 15 लाख रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ था। शिक्षकों का आरोप है कि आवंटन के बाद भी थानला बीईओ द्वारा आवंटन की बात छिपाई गई। यही नहीं, अतिथि शिक्षकों के वेतन के आवंटन से एक शिक्षिका को 12 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया गया। अतिथि शिक्षकों ने इसे गंभीर आर्थिक अनियमितता बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में शिक्षकों ने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को आज एक ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य ने जांच कर कार्रवाई का दावा किया है। सर, ऐसा है कि विकास खंड शिक्षा अधिकारी थानला अतिथि शिक्षक का बजट मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2202 में आने के बावजूद भी वहां के लेखा शाखा के अधिकारियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात की जाती है तो उनके द्वारा टालम टोल किया जाता है कि अलाटमेंट नहीं है। जब हमारे द्वारा बताया गया कि अलाटमेंट लेटर है और इसका भुगतान दीपावली के पहले आपको करना था तो क्यों नहीं किया गया? किसी अन्य के फंड में, परवल्या संकुल में किसी माध्यमिक शिक्षक को एरियर के रूप में वो राशि इन्होंने 12 लाख, काफ़ी बड़ी रकम होती है, 12 लाख की रकम इन्होंने एरियर के रूप में भुगतान की है। श्रीमती सीमा दसोई द्वारा के एरियर के रूप में भुगतान किया गया, तो ये मामला वित्तीय अनियमितता का है। ये शासन द्वारा शिक्षकों के लिए आवंटन का प्रदान किया गया था और जिसमें उनको राशि का वितरण भी किया गया, लेकिन अभी जो मामला संज्ञान में आया है कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का कुछ हिस्सा अभी भुगतान में नहीं जा पाया, तो इसके लिए जैसा बता रहे हैं कि किसी का एरियर भुगतान किया गया है, तो उसके लिए हम लोग जाँच करवा रहे हैं इसमें, और जैसी रिपोर्ट आती है उसमें कार्रवाई भी करेंगे। उसको मेरे संज्ञान में यह मामला जस्ट अभी आया कि इनके एरियर का भुगतान हुआ है, तो इसके हम लोग जाँच करा के जो भी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।